मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। ये प्रधानमंत्री नहीं, ये इंटरनेशनल ब्लॉगर है। बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सब्सक्राइब करें, कल हमारे बीच में भी आएंगे, लेकिन उनको अब झोला उठा के जाना होगा। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें। मुझे लगता है कि ये हम है, ये मेरा दोस्त बाइडन है और हम यहाँ पर अमेरिका में है। ये काम मोदी जी का शुरू है और जिसके बाद मोदी जी वापस स्टेशन पे चाय बेचने वाले हैं और चाय बेचेंगे, उसी चाय की वो ब्लॉगिंग करेंगे। आप करिए ना मोदी जी के। मोदी जी कहते हैं कि उनको चाहने वाली इस देश की 125 करोड़ जनता है, लेकिन वोट मोदी जी को जो है, मोदी जी के यूट्यूब चैनल पर सब्सक्राइबर मात्र 2 करोड़ हैं। इनकी पार्टी के कार्यकर्ता 15 करोड़ हैं, ये कहते हैं 15 करोड़, यानी इनकी पार्टी के लोग ही इनको पसंद नहीं कर रहे हैं। और प्रधानमंत्री मोदी जी कह रहे हैं, भाइयों बहनों मित्रों, मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, फॉलो करें, ये नया बिजनेस शुरू कर लिया है। मेरा ये चैनल सब्सक्राइब करें और मेरे हर अपडेट आपको मिले इसके लिए बेल आइकन जरूर दबाइएगा। ये प्रधानमंत्री नहीं, ये इंटरनेशनल ब्लॉगर है जो घूम घूम के ब्लॉगिंग करने का काम करते हैं। देश के इतिहास में पहली बार ऐसा हुआ है कि किसी प्रधानमंत्री ने अपना यूट्यूब चैनल खोला है। तो प्रधानमंत्री जी क्या कर रहे हैं, मुझे अब ऐसा लगता है कि पहले तो ये देश को बेचने का काम करते थे, प्राइवेटाइजेशन करते थे, अब इस देश को यूट्यूब चैनल पर बेचेंगे। मतलब फोटो खींच खींच के डालेंगे, किसी को खरीदना हो तो बताइए। क्योंकि ये जो हैं, जिनको आप समझ रहे थे कि रंगा बिल्ला लीडर, इनको आप समझ रहे थे ना लीडर, ये लीडर नहीं, ये प्रॉपर्टी डीलर हैं जो देश को बेचने का काम कर रहे हैं। और आपने चाय वाले के हाथ में तो दे दिया है देश, अब आप देख लीजिएगा कि क्या इस देश की हालत होने वाली है। दूसरी बात ये है कि इस देश के अंदर कुछ लोग ऐसे हैं जो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं। उनको बता देना चाहता हूँ कि ये आरएसएस का निक्कर नहीं है कि जिसको निक्कर से फुल पैंट कर दिया, ये बाबा साहब का संविधान है, जिस संविधान के बिना एक पुलिस की चौकी नहीं चलती। और आप देश चलाने की बात करें तो बात आपको समझनी होगी जी। 15 साल से यूट्यूब चलाते हैं और 2 करोड़ इनके ऊपर फॉलोवर्स है, आप देख लीजिए कितनी जनता इनको पसंद करती है, आप खुद अंदाजा लगा लीजिए। गोदी मीडिया का मुझे लगता है कि अब पैचअप होने वाला है, पैकअप होने वाला है। गोदी मीडिया का भी अब काम समेट गया, सारे काम यही कर लेंगे। बिग 20 आदमी ने मांग ली, चाय 20 आदमी ने बेच ली, बांग्लादेश की लड़ाई भी लड़ ली और अब यूट्यूबर भी बन गया। तो हमारे देश के यूट्यूबर प्रधानमंत्री जो आपके 56 इंची वाले चचा हैं, ब्लॉगर चचा जो हैं, उन्होंने अब ये काम शुरू कर दिया है। देश के लोगों को लड़ाना, इनका भिड़ाना तो इनका काम है ही। हमारे देश के मुसलमानों से नफरत करते हैं, विदेश के मुसलमानों के हाथ भी चूमते हैं, गले भी लगाते हैं, पाकिस्तान की तो बिरयानी भी खा जाते हैं, इतना प्यार है उनको। तो ये बात देश की जनता को समझनी चाहिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। जी अब देखिए, यही तो चीज़ है, इस समय पूरा देश उस गोदी मीडिया को नकार चुका है। इस समय लोग सोशल मीडिया पर ध्यान देते हैं, सोशल मीडिया की मानते हैं, उनको कहीं ना कहीं आया। एक दिन ऐसा आएगा कि यही मोदी, अभी भी कटोरा मांगने बनारस में आया था, 5 दिन रुके थे, कटोरा मांगने फिर एक बार आएगा। जो अभी कह रहे थे पटपोड़े उनके अपने अंबेडकर जी के, कि 5 साल बाद आएगा, हवा में उड़ने वाले एक बार आएंगे, वो आएंगे। सोशल मीडिया इस देश की सबसे बड़ी शक्ति है, स्ट्रांग है, और उनको भी आना पड़ेगा, समझ लें। अभी तो अभी ये कहें सब्सक्राइब करें, कल हमारे बीच में भी आएंगे, लेकिन उनको अब झोला उठा के जाना होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नया ट्रेंड निकाल लिया है, एक नया काम निकाला है। प्रधानमंत्री कहते हैं कि मेरा यूट्यूब चैनल है, आप उसको लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ये जिनको आप प्रधानमंत्री समझ रहे हैं, ये प्रधानमंत्री नहीं, ये इंटरनेशनल ब्लॉगर है, ये इंटरनेशनल ब्लॉगर है जो ब्लॉगिंग करने का काम करते हैं, ये आप समझ लीजिए। देश के इतिहास में पहली बार कोई ऐसा प्रधानमंत्री है जिसने अपना यूट्यूब चैनल बनाया है। आपने किसी प्रधानमंत्री को अपना यूट्यूब चैनल बनाते हुए नहीं देखा होगा, और ये इसलिए बनाया है क्योंकि इस बार के चुनाव के बाद इस देश की जनता प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को टाटा बाय बाय करने वाली है। तो वो जो है, उनकी जो फेयरवेल पार्टी है चल रही है और जिसके बाद मोदी जी वापस स्टेशन पर चाय बेचने वाले हैं और चाय बेचेंगे, उसी चाय की वो ब्लॉगिंग करेंगे। और इसके बाद मोदी जी का विदेश टूर तो रहता ही है, तो वहाँ ये काम करेंगे। मुझे लगता है कि ये हम है, ये मेरा दोस्त बाइडन है और हम यहाँ पर अमेरिका में है, ये काम मोदी जी का शुरू है। अभी क्या है, वो जो है यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करा रहे हैं। अभी आपको एक करंट अपडेट दे देता हूँ, महाराष्ट्र के अंदर जहाँ पर आप लोग कहते हैं कि हिंदूवादी सरकार चल रही है, बंगाल में पत्ता भी गिरे, बंगाल में सरिया गिरने से भी कोई मर जाए तो पूरे देश में हाहाकार काट देती है इस देश की दलाल और चापलूस मीडिया। महाराष्ट्र में 34 घंटे में 31 लोगों की जान जा चुकी है, हमारे देश के प्रधानमंत्री गूंगे बन के बैठे हुए हैं, प्रधानमंत्री के मुंह से एक आवाज़, एक शब्द नहीं निकल रही है। आप ये बात समझ लीजिए, महाराष्ट्र के अंदर दवाई ना मिलने के कारण इस देश का किसान आत्महत्या करता है, उसको फसल का सही दाम ना मिलने के कारण आज हमारे देश का जवान, किसान और नौजवान
तीनों ही परेशान है इस देश के अंदर। सबसे बड़ी बात, जो प्रहार हमारे देश के जो लोगों पर हो रहा है, हमारे देश की एकता पर हो रहा है, ये सबसे बड़ी बात है। आज हमारे देश की यूनिटी को तोड़ने का प्रयास किया जा रहा है। लोगों को हिंदू मुस्लिम मंदिर मस्जिद चर्च और गुरुद्वारे के नाम पर लोगों को बांटा जा रहा है। एक बात मैं आपको बता देता हूँ कि आप लोग अगर मंदिर और मस्जिद में व्यस्त रहेंगे तो इस देश के अंदर बेचने वाले लोग इस देश को बेच देंगे और वापस से गुलाम बनाकर चले जाएंगे। आज वो लोग जो इन्होंने चार किताबें नहीं पढ़ी हैं, वो संविधान बदलने की बात कर रहे हैं, तो उनको बता देना चाहता हूँ कि ये आरएसएस की चट्टी नहीं है कि जिसको निक्कर से फुल पैंट कर दिया। ये बाबा साहब का संविधान है जिसके बिना एक पुलिस की चौकी नहीं चलती है और आप देश चलाने की बात कर रहे हो, ये देश का संविधान है भैया। दूसरी बात ये है, हमारे देश के प्रधानमंत्री जो झूठ बोलने में माहिर हैं, एक्सपर्ट आदमी है, झूठ बोलने में इनके पास वो कलाकारी है कि ये खड़े खड़े कहीं भी रो देते हैं। आपने देखा होगा, अभी तो आपने देखा होगा बांग्लादेश की लड़ाई इन्होंने लड़ी है, भीख इन्होंने मांगी है, चाय इन्होंने मांगी है। जितना एक व्यक्ति की जवानी होती है इनका उतना बचपन है। और सबसे बड़ी बात, आपको एक लेटेस्ट अपडेट दे देता हूँ। अभी जो YouTube चैनल्स हैं जो बेसिकली सरकार के खिलाफ आवाज़ उठाते हैं, उनको सरकार टारगेट करने का काम कर रही है। आपने देखा होगा अभी कुछ ही घंटे पहले की एक खबर है कि जो अभिषार शर्मा है, जो उनका जो चैनल है पूरा, आपने देखा होगा न्यूज़ क्लिक, उसके ऊपर दिल्ली पुलिस की रेड हुई है, आप लोगों ने देखा होगा। और पुलिस ने जो है वो UAP और तमाम बड़ी एक्ट के तहत और ICC के तहत उनके ऊपर जो है वो केस लगाने का काम किया है। इस देश में आज के दौर में आवाज़ उठाना एक बेहद मुश्किल काम हो गया है। मैं आपसे एक ही बात कहना चाहूँगा कि अपने मंदिर मस्जिद को थोड़ी देर के लिए साइड रखें, हिंदू मुस्लिम को साइड रखें। ये देश रहेगा तो हिंदू और मुसलमान रहेंगे, ये देश रहेगा तो मंदिर और मस्जिद रहेंगे। अगर ये देश ही नहीं रहेगा तो ना हिंदू रहेगा, ना मुसलमान रहेगा, और ना मंदिर रहेगा, ना मस्जिद रहेगा। तो इसलिए आप अपने देश के लिए लड़ें, अपने वतन के लिए लड़ें। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। আপনারা দেখছেন আপনাদের প্রিয় চ্যানেল SSTV পাবলিক, সত্যের সাথে ন্যায়ের পথে। চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে যুক্ত হন আমাদের পরিবারে এবং পাশে থাকা বেল আইকনটি ক্লিক করুন।